हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब्सन टिक एजुकेशन। आज क्लास रे आम जीएस रो क्वेश्चन प्राक्टिस करवा। बहुत इंपोर्टेंट रही है क्वेश्चन गुड़िक। ओडिशा रे जेकोसी भी एग्जाम दिंतु जदि सिलेबस रे मेंशन अच्छी जीएस, ए जीएस क्लास टी पीओ अमीन ओडिशा पुलिस कांस्टेबल तापाई बहुत इंपोर्टेंट रही। सो प्लीज फास्ट टू लास्ट बुझापी ट्राए करेंगे। जदि आपण मानक डाउट रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निहाती जनइबे। क्लास टी को स्टार्ट करने पूर्व कही रखी जो मैंने चैनल को नुआ करी आसुछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करनियंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करनियंतु। एही परि भाबरे आपण माने नुआ नुआ क्लास पाई परिबे एवं आगो को बहुत भलो भलो कंटेंट आपण मानको मिलिबा। चलंतु आउ डेरी करिबेनी क्लास टी को स्टार्ट कर दबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु, व्हिच अमंग द फॉलोइंग गैसेस इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। बहुत थोर एग्जाम रे पड़ीची एवं एग्जाम रे पड़िबार मध्ये संभावना रहूची। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु, व्हिच अमंग द फॉलोइंग गैसेस इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। तले एमानक मध्यरु काहाकु लाफिंग गैस बोली कुहा जायथाय। एहर करेक्ट अल्टरनेटिव टी होउछि नाइट्रस ऑक्साइड। देखंतु नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोली कुहा जायथाय एवं एही नाइट्रस ऑक्साइड रो सिंबल होउछि N2O। नाइट्रस ऑक्साइड वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबे N2O। ए नाइट्रस ऑक्साइड केउठार यूज होइथाय? ए लाफिंग गैस बा नाइट्रस ऑक्साइड आनेस्थेसिया रूप रे यूज होइथाय। आनेस्थेसिया माने होउछि डॉक्टर माने जेतबेळे ऑपरेशन करंती ऑपरेशन दे नाइट्रस ऑक्साइड देकी से माने पेशेंट को वेस कर दियंती तापरे से माने ऑपरेशन स्टार्ट करथंती। ओके, तले एनेस्थेसिया रे माने आपण माने भलो भाबरे बुझि पाले। आउ गोटे कथा माने रखंतु, नाइट्रस ऑक्साइड होची गोटे ग्रीन हाउस गैस। आमर ग्रीन हाउस गैस 6टी अछंती, से गुडी को कोन कोन ताकु भी मन रखि नबा। ग्रीन हाउस गैस कोन जानचंती? ग्रीन हाउस गैस होची एमती किछि आम वायुमंडल रे जोटे कि एटमॉस्फेयर रे एमती किछि गैस अछंती जहाद्वारा कि आम एटमॉस्फेयर अत्यधिक गरम हो जाए। ओके, देखंतु नाइट्रस ऑक्साइड तो गोटे ग्रीन हाउस गैस है। आम टोटल 6टी ग्रीन हाउस गैस अच्छा, गोटे हूँ नाइट्रस ऑक्साइड। अन्य ग्रीन हाउस गैस गुड़िक मन रखिंतु, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, मीथेन, CH4, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, आउ गोटे हूँ परफ्लोरोकार्बन। ओके, ताहले टोटल ग्रीन हाउस गैस आम 6टी अच्छा, गोटे हूँ कौन कार्बन डाइऑक्साइड SF6, कार्बन हेक्साफ्लोराइड, CH4, मीथेन, HF6, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC, परफ्लोरोकार्बन एवं आउ गोटे हूँ नाइट्रस ऑक्साइड। मन रहीगला? मन रखंतु एमान तो सब ग्रीन हाउस गैस, एमिति अलग किछि मध्ये अछंती जो माने कि ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करथंती। IR इन्फ्रारेड रे, सेकेंड हूँ ओजोन एंड थर्ड हूँ वाटर वेपर। वाटर वेपर एमाने मध्य ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते, वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिदेवे। आम तो देखिले टोटल 6टी ग्रीन हाउस गैस अच्छा, बट आउ मध्य एमती किछि एटमॉस्फेयर अच्छा जो माने कि ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते, से माने होचंती IR इन्फ्रारेड रे, ओजोन O3 एवं वाटर वेपर मध्य ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करिथाय। आमे जीएस क्लास रे केवल क्वेश्चन आंसर करिवानी एवं डिटेल से क्वेश्चन आंसर विषय रे मधे जोटा बहुत इंपोर्टेंट मु आपण मानकु डिटेल्स कहिबी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन को देखंतु कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो गोटे जानले ये होची ग्रीन हाउस गैस टे। एवं ऑप्शन सी को देखंतु कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड कौन? कार्बन मोनोक्साइड होची गोटे एमिति गोटे गैस, मन रखंतु कार्बन मोनोक्साइड मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी होची 200% से ब्लड सहित मिसी जीव, बहुत जल्दी ब्लड सहित मिसी जाए कार्बन मोनोक्साइड। ओके, एवं डी ऑप्शन को देखंतु सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कौन? सल्फर डाइऑक्साइड रो सिंबल होची SO2। ए जो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 मिसी गले एसिड रेन हुए। ओके, मन रखिबे जेतबेले सल्फर डाइऑक्साइड सहित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिसी जीव एसिड रेन हे जीव। ओके, मु आशा करूची क्वेश्चन नंबर 1 को आपण माने क्लियरली बुझी पार्थिवे। एबे क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु, सावाना रीजन ऑफ ब्राजिल इज लोकली कॉल्ड एज। ताले ब्राजिल जो सावाना रीजन अछि, ब्राजिल जो सावाना ग्रासलैंड अछि, से ग्रासलैंड को ब्राजिल ले लोकली कोन कहंती? ताले से ग्रासलैंड को लोकली सेराडो बोली कहितांती। ऑप्शन ए होछि हर करेक्ट आंसर। माने रखंतु जदि ऑप्शन रे कैंपस थिबो ताहले ये मध्य राइट आंसर ही जीव। सावाना रीजन ऑफ ब्राजिल इज लोकली कॉल्ड एज कैंपस और सेराडो। कैंपस मध्य कहितांती, तार अदर नेम होची सेराडो। ओके, ऑप्शन ए जहाँ थिबो ताकु देखिके आंसर करिवे। ए जो ब्राजिल भीतर जो सावाना ग्रासलैंड टी अछि एडा होची ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। एवं मन रखंतु ब्राजिल साउथ अमेरिका रे अछि एवं
ये जो साउथ अमेरिका रे जो ब्राजिल अच्छे से ब्राजिल ले सबुठारु बृहत्तम नदी जोटा कि आमाजन रिवर प्रवाहित होइथाय। ओके एतिक मन रहिला। एबे ऑप्शन बी को देखंतु। ऑप्शन बी जो पंपस देछे, पंपस होछे अर्जेंटीना रो ग्रासलैंड को पंपस बोली कहितांती। ओके एबे क्वेश्चन नंबर 3 देखंतु। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज। फर्स्ट जानिबा चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन। चाइल्ड सेक्स रेशियो रे माने होची हजारे मेल रे केते फीमेल जन्मग्रहण करछंदी सेटा होची चाइल्ड सेक्स रेशियो। एवं चाइल्ड सेक्स रेशियो होची माने 0 रु 6 वर्ष पर्यंत छुआंकर चाइल्ड सेक्स रेशियो करा जायथे। ओके तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 आमर जो सेंसस हेतला 2011 रे सेते बेले चाइल्ड सेक्स इंडिया रे चाइल्ड सेक्स रेशियो केते थिला। ऑप्शन बी होउछि हर करेक्ट आंसर 914। मन रखबे बहुत थर एग्जाम रे पडिछे पूरा सिलेक्टिव क्वेश्चन। ए जो चाइल्ड सेक्स रेशियो रे के सबटु हाईएस्ट थिला मिजोरम। मिजोरम रो होउछि 971, मेघालय 970, तापरे नेक्स्ट आसुछि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ होउछि 964। एमति भी क्वेश्चन आसी जाय पारे। चाइल्ड सेक्स रेशियो रे सबटु अधिक के मिजोरम रे बहुत अधिक 971, देन मेघालय, देन छत्तीसगढ़। एबे क्वेश्चन नंबर 4 देखंतु। ए सिटीजन ऑफ इंडिया ताले इंडिया रा सिटीजन को विषय रे क्वेश्चन टी हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द। ऑप्शन ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। जदि जणे इंडिया रा सिटीजन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने गवर्नमेंट रो निहाती सैलरी पाउथबो। हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रो माने होउछि गवर्नमेंट रो निहाती से सैलरी पाउथबो माने से गवर्नमेंट ऑफिसर रहितबो। और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। से गवर्नमेंट ऑफिसर कोनोसी फॉरेन स्टेट रु कोनोसी भी टाइटल को से एक्सेप्ट करि परिबो नाही विदाउट द कंसेंट ऑफ करि परिबो नाही राष्ट्रपति बिना अनुमति रे। ओके ताले आंसर टी हिजिबो ठारे ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। कोनोसी फॉरेन कंट्री रो से कोनोसी टाइटल ग्रहण करि परिबो नै जेते पर्यंत प्रेसिडेंट कहि नांती। ओके जेहेतु से इंडिया रा सिटीजन सेति पई। आ गुटे कथा मन रखंतु आर्टिकल 18 रे हमरा लेखा हि छे अबोलिशन ऑफ टाइटल। अबोलिशन ऑफ टाइटल माने आपणको नाम आगरे किंबा आपणको नाम पछरे कोनोसी भी टाइटल आपण माने रखि परिबे नाही एक्सेप्ट मींस जदी आपण माने एकेडमिक रु पास हिचंती किंबा मिलिटरी अछंती देन ताले त आपण मानकर टाइटल लागिवो। जेंती कि आपण माने जानथिबे डॉक्टर पीएचडी पाइला परे डॉक्टरेट डिग्री उटे लागी थाए ताले से माने डॉक्टर लगे परिबे आपण माने जानथिबे। एबे क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु। राज्यसभा कैन विथहोल्ड मनी बिल्स फॉर ए पीरियड ऑफ। राज्यसभा केते टाइम पई मनी बिल को अटकाई के रखि परिबे। ओके विथ होल्ड करके रखि परिबे माने अटकाई के रखिबे। एहार करेक्ट आंसर टे हिजबो 14 डेज। ऑप्शन ए होउछि एहार करेक्ट आंसर। फर्स्ट आमे जानिबा मनी बिल्स कोन। मनी बिल होउछि जेते पर्यंत लोकसभा रो स्पीकर साइन करिनांती सेई बिल उपरे ताहाले सेते पर्यंत सेटा उडा मनी बिल्स बोली धरा जीवनी। जदि तांकर साइन हेई गला देन ताकु सेई बिल को मनी बिल्स बोली कुहा जीवो। ओके बिल कोन। बिल होउछि गोटे प्रपोजल। सेई प्रपोजल विषय रे कोनोसी डिस्कशन करिबा सेटा होउछि बिल्स। जदि सेई बिल उपरे स्पीकरनकर साइन हेई गला देन ताकु मनी बिल्स बोली कुहा जीवो। ओके मैक्सिमम 14 दिन से अटकेई के रखि परिबे राज्यसभा रे। एवं मने रखंतु मनी बिल सर्वदा राष्ट्रपति परमिशन द्वारा ही आसी थाए। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को अनुमति रे आसी थाए। प्रेसिडेंट जदि परमिशन देले ताले मनी बिल जाइके लोकसभा को जीवो। लोकसभा रे डिस्कशन हबो से बिल्स विषय रे। डिस्कशन हेबा परे जदि स्पीकर साइन हेला ताले ताकु मनी बिल्स बोली कुहा जीवो। एबे क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु। हु कंडक्ट्स द पीरियडिकल सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ताले इंडिया रे जो पॉवर्टी लाइन अछि माने गरीबी रेखा अछि से गरीबी रेखा को आकलन करिया पई जोटा कि एस्टिमेटिंग माने आकलन करिया पई किए कंडक्ट करिथांती पीरियडिकल सैंपल सर्वे को के कंडक्ट करथांती। एहार करेक्ट आंसर टी हिजिबो NSSO। ऑप्शन बी होउछि एहार करेक्ट आंसर। NSSO रो फुल फॉर्म होउछि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मन रखिबे
सीए कौन करथाय कंडक्ट करथाय पीरियडिकल सैंपल सर्वे करथाय फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ताले इंडिया रे गरीबी रेखा को आकलन करिया पाई NSSO कंडक्ट करथाय सर्वे कंडक्ट करथाय। ओके आउ गोटे कथा मन रखत ए जो NSSO को मिनिस्ट्री रो अंडर रे आसीथाय ए जो NSSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अंडर आसी थाए मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए देखु नीति आयोग नीति आयोग नीतिर फुल फॉर्म कौन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग केबे बना है थिला नीति आयोग होची 1 जनवरी 2015 नीति आयोग गठन करा जाय थिला नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके मन रखत नीति आयोग पूर्व ना थिला प्लानिंग कमिशन। ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत थर एग्जाम पड़ी ए प्लानिंग कमिशन रो प्राइम मिनिस्टर सब बड़े पीएम हो प्राइम मिनिस्टर ए प्लानिंग कमिशन 1 जनवरी 2015 चेंज हो कि नीति आयोग परिणत हो नीति आयोग भी चेयरपर्सन सब बड़े आमर पीएम होता। ओके एबे ऑप्शन सी को देखु सीएसओ रो फुल फॉर्म होची लेखिनबे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा जाय थे। एबे क्वेश्चन नंबर 7 देखंतु द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम फाउंड इन इंडिया। इंडिया रे सबठारु पुराना रॉक सिस्टम केउठरे देखिबा को मिले ऑप्शन डी होची हर करेक्ट आंसर आर्कियन सिस्टम। मन रखंतु ए जो आर्कियन सिस्टम एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखंतु रॉक सिस्टम होची दुई प्रकार रो होइथे गोटे होची फोल्ड माउंटेन रॉक सिस्टम। ओके ये जो फॉल्ड माउंटेन रॉक सिस्टम रे कौन हुए प्लेट गुड़िक शेकिंग हुंती माने प्लेट गुड़िक बाड़े हुंती ए प्लेट गुड़िक बाड़े हेबा फलरे टेक्टोनिक मूवमेंट होइथे। ओके मन रखंतु फॉल्ड माउंटेन रॉक सिस्टम होची दुई प्रकार रो गोटे होची यंग फॉल्ड माउंटेन आ गोटे होची ओल्ड फॉल्ड माउंटेन। यंग फॉल्ड माउंटेन रे रॉक टा धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलछि सेथि पई माउंटेन टा बढ़ी बढ़ी धीरे धीरे चलछि सेथि पई एटा होची यंग फॉल्ड माउंटेन ओल्ड फॉल्ड माउंटेन माने होची जेमिति थिला सेमति ही अछि सी आउ बेसी ऊंचा बढ़ोनी। ओके हिमालय होची यंग फॉल्ड माउंटेन हिमालय होची यंग फॉल्ड माउंटेन। ओके एवं आउ गोटे कथा हिमालय विषय मन रखंतु हिमालय सबुठारु उच्च श्रृंखला नाम होची माउंट एवरेस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत थर एग्जाम आसछि केउठु ओरिजिन होची टेथिसिरु हिमालय ओरिजिन होची हिमालय ओरिजिन होची बा हिमालय उत्पत्ति स्थली होची टेथिसी एवं सेही परि भाबरे ओल्ड फॉल्ड माउंटेन होची आरावली आरावली होची गोटे ओल्ड फॉल्ड माउंटेन्स एवं से आरा ओल्ड फॉल्ड माउंटेन आरावली सबुठारु उच्च श्रृंखला बा उच्च जगह होची गुरु शिखर ए जो गुरु शिखर उच्चतम श्रृंख टी केउठारे देखिबा को मिलथाय राजस्थान रे अछि। ओके एबे क्वेश्चन नंबर 8 देखिबा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द यूनियन रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एन्जॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने होची मंत्री परिषद ए जो संघ रे मंत्री परिषद यूनियन होची संघ रे मंत्री परिषद सेतेबेले पर्यंत रहिबो जेतेबेले से कॉन्फिडेंस फील करथांती लोकसभा रे माने ऑप्शन ए होची हर करेक्ट आंसर हे जीव देखंतु जदी लोकसभा रे मेजॉरिटी पीपल थांती माने 50% प्लस 1 सीट जदी थिबो ताहाले मंत्री परिषद टी सरकार चलेबा पई सक्षम हे परिबो। एबे क्वेश्चन नंबर 9 देखंतु व्हेयर फ्रॉम इज लिटमस डाई एक्सट्रैक्टेड तले लिटमस डाई केउठारु एक्सट्रैक्ट करा जायथे माने केउठारु बाहर करा जायथे ऑप्शन ए होची हर करेक्ट आंसर ए लाइकेन। ओके फर्स्ट जानतु लिटमस डाई कौन लिटमस पेपर आपण माने जानथिबे जेतेबेले आपण माने गोटे रेड लिटमस पेपर को गोटे बेस रे बुड़ेबे ताहले सेटा ब्लू हो जिवो एवं ब्लू लिटमस पेपर को जदि एसिड रे बुड़ेबे सेटा रेड हो जिवो रेड लिटमस पेपर को बेस रे देले से ब्लू कलर हो जिवो एवं ब्लू लिटमस पेपर को जदि आपण माने एसिड रे देबे से रेड कलर हो जिवो सेटा होची लिटमस पेपर आपण माने भलो भाबरे जानथिबे लाइकेन कोन अल्गी एवं फंगस रो मिश्रण को लाइकेन बोली कहिथांथि। ओके एबे क्वेश्चन नंबर 10 देखंतु द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया वाज डन नेशनलाइजेशन अर्थ होची राष्ट्रीयकरण इंडिया रे बैंक को प्रथमे राष्ट्रीयकरण केबे करा जायतिला
ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଇନ୍ 1969। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ବି 19 ଜୁଲାଇ 1969ରେ ଇଣ୍ଡିଆର 14ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଜିର ଜିକେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 20ଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜିକେର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର ପୁରା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ ନେଇକି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।